हेलो नमस्कार सर जी। नमस्कार। जिला कार्यालय DSO ऑफिस से फोन किया गया है, राशन कार्ड डिपार्टमेंट से। जिला कार्यालय DSO ऑफिस से कॉल किया गया है, राशन कार्ड डिपार्टमेंट से। आपका घर परिवार में जो राशन कार्ड बना हुआ, पिछले महीने अनाज में क्या क्या मिला था सर? राशन कार्ड में गेहूं मिला था और चावल। जी, गेहूं और चावल मिला था ना। जी जी, उसे अपडेट के लिए कॉल किया गया है। अपडेट करके मुख्यमंत्री लिस्ट में जोड़ दिया जा रहा है। अगले 6 महीना राशन बढ़ा दिया गया। ओके, अगले जी महीना से गेहूं, चावल, चने की दाल, मिट्टी के तेल और नमक, ये 5 आइटम दिया जाएगा। जी हम जैसे ये जानना चाहते हैं सर कि राशन कार्ड में किसी बच्चा बच्ची का नाम छूटा है सर? हाँ, एक बच्चे का जी, तो उसका आधार कार्ड हो गया ना? आधार कार्ड नहीं है, अभी छोटा है बच्चा। जी आधार कार्ड बच्चे का नहीं है अभी। जी जी बच्ची का नहीं है ना, क्योंकि उसका जन्मदिन मालूम है ना सर? क्या? उसका जन्मदिन मालूम है ना, जन्मदिन, तो उसका नाम पूछा जाएगा और जन्मदिन बता दीजिएगा, हो जाएगा। बाद में आधार कार्ड बना लीजिएगा, ठीक है? जी, नाम तो जुड़ गया है उसमें, राशन कार्ड में। जी, हेलो। हाँ, पिछले महीने क्या क्या मिला था बोला? जी आप बोल कहाँ से रहे यार? जिला कार्यालय DSO ऑफिस से, राशन कार्ड डिपार्टमेंट से। जी, कहाँ से, कौन से जिले से? मंडसौर से। जी मंदसौर। मेरा तो जिला छतरपुर है यार। जी आपका मैन 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 ब्रांच से बोल रहा हूँ ना सर। अच्छा, तो मेरे नाम से तो कोई राशन कार्ड है नहीं यार। जी, आपका नंबर लिंक किया गया, इसके लिए कॉल किया गया, ठीक है? हेलो। क्या नंबर लिंक किया गया है, इसके लिए कॉल किया गया है? जी तो और बताइए। सैफ इकबाल किसका नाम हुआ? मेरा ही नाम है। जी, तो आप ही का नंबर लिंक किया गया, ठीक है सर? जी, आप ही का नाम से यहाँ से अपडेट किया जाएगा। अपडेट करके मुख्यमंत्री लिस्ट में जोड़ दिया जा रहा है। जी, उसी अपडेट के लिए अभी आपको अपडेट वेरीफाइड नंबर मिलेगा। वेरीफाइड नंबर रखिएगा, डिलीट नहीं करिएगा। ओके सर। जी जी, 1 मिनट आप लाइन वेट कीजिए, यहाँ से आपको अपडेट वेरीफाइड नंबर मिल जाएगा। जी, राशन लेने मम्मी पापा जाते कि आप जाते सर? क्या? राशन लेने मम्मी पापा लोग जाते कि आप जाते हैं सर? पापा जाते हैं। जी जी, तो घर में बता दीजिए कि अपडेट के लिए कॉल किया था, ठीक है? जी, उसी अपडेट के लिए आपको वेरीफाई अपडेट नंबर यहाँ से एक्टिवेट करवाने हैं। देखिए, आपको वेरीफाई नंबर मिला। ये काय का नंबर भेजा आपने? तो ये पूरा जाल फैलाने के बाद ये हमसे वही OTP की मांग कर रहा था, तो हमने इसको कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो मैं आपको वीडियो में तो नहीं सुना सकता, लेकिन फिर इसने फ़ोन काट दिया था। तो आप इस चीज़ से सतर्क रहें कि किस तरह से आप लोगों को राशन कार्ड के नाम से कहीं कुछ किसी चीज़ के कहीं किसी चीज़ के नाम से आपको ठगने की कोशिश की जा रही है। तो धन्यवाद, आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो में से कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आने वाले समय में आपको इसी तरह से सचेत करते रहेंगे। धन्यवाद।